रूपांतरण। एक दिन यीशु ने अपने तीन चेलों पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ में लिया। यह यूहन्ना नाम का चेला वो व्यक्ति नहीं है जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। वे प्रार्थना करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर गए। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो उसका चेहरा सूर्य के समान उज्जवल हो गया, उसके वस्त्र उजियाले के समान सफेद हो गए, जैसा पृथ्वी पर कोई कर सके उससे भी बढ़कर सफेद। तब मूसा और एलिया भविष्यवक्ता प्रकट हुए। ये पुरुष इस पृथ्वी पर इस समय से सैकड़ों वर्ष पहले रहा करते थे। उन्होंने यीशु से उसकी मृत्यु के विषय में बात की, क्योंकि वह शीघ्र ही यरूशलेम में मर जाएगा। जब मूसा और एलिया यीशु से बातें कर रहे थे, तब पतरस ने यीशु से कहा, हमारे लिए यहाँ होना भला है, हम तीन मंडपों को बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। परंतु पतरस नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा है। जब पतरस बात कर रहा था तो एक उजला बादल नीचे आकर उन पर छा गया। फिर उन्होंने बादल में से एक आवाज को आते हुए सुना। उसने कहा, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रसन्न हूँ, उसकी सुनो। वे तीनों चेले डर गए और भूमि पर लेट गए। तब यीशु ने उनको छुआ और कहा, डरो मत, उठ जाओ। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो जो एक जन अभी भी वहाँ था वह यीशु था। यीशु और वे तीनों चेले उस पहाड़ से वापस नीचे उतर आए। तब यीशु ने उनसे कहा, अभी जो यहाँ हुआ उसकी चर्चा किसी से न करना, मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा और फिर जीवित हो जाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को बता सकते हो।